नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज को। तो मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार पंचायत चुनाव में चुनाव आयोग के द्वारा जो गाइडलाइंस तय की गई हैं, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे वो कौन सी गाइडलाइंस है जिनका पालन अगर प्रत्याशी यानी कि उम्मीदवार जो इस बार बिहार पंचायत चुनाव में जिन 6 पदों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वो प्रत्याशी अगर उन गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं तो उनका नामांकन रद्द हो सकता है। सिर्फ नामांकन ही रद्द नहीं हो सकता बल्कि उन्हें आगे चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो बिहार राज्य चुनाव आयोग ने 8 गाइडलाइंस जारी की हैं जिसे हर प्रत्याशी को मानना होगा। अगर प्रत्याशी इन आयोग के द्वारा जो गाइडलाइंस हैं उनका उल्लंघन करते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं, तो उनका नामांकन रद्द हो सकता है, उनको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम उन 8 गाइडलाइंस को जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर पहली बार आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें ताकि इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं बिहार पंचायत चुनाव पे हम लगातार आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं आप तक पहुंचते रहें। और इसके साथ ही मित्रों, ये भी कहना है कि ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, जो कोई भी कैंडिडेट जो कोई भी उम्मीदवार इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और कई बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो नए हैं, उन्हें अनुभव की कमी है, उनको सारी जानकारी नहीं है, ऐसे में हमारे पास एक एक्सपर्ट टीम है जो आपकी मदद करने के लिए तैयार है। चुनाव में रणनीति कैसे बनाएं, चुनाव को कैसे जीता जाए, प्रचार करने का तरीका कैसे होता है, चुनाव में टीम कैसे बनाएं, मुद्दे कहां से उठाएं, इन सारे विषयों पे आपको जो है एक एक्सपर्ट ओपिनियन, और यह एक्सपर्ट ओपिनियन बिल्कुल निःशुल्क है। यह हमारा एक अभियान है लोकतंत्र को बचाओ। इस अभियान के तहत जो है हर उम्मीदवार को जो है ये हम निःशुल्क कार्यशाला के द्वारा, जिसमें मैं भी रहता हूं और भी हमारे साथ एक टीम रहती है एक्सपर्ट जो काफी अनुभवी लोग हैं, 50 साल 60 साल का अनुभव लिए हुए हैं, वो पंचायत चुनाव में कैसे रणनीति बनाते हैं, कैसे प्रचार करते हैं, कैसे टीम बनाते हैं, कैसे मुद्दे बनाते हैं, इन सब पे आपकी सहायता करेंगे। तो हमारे ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क करें। मित्रों, इसके साथ ही अगर आपको नामांकन भरने में या कोई भी कानूनी समस्या आ रही है तो आप हमारे ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको निःशुल्क सहायता पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रथम चरण के चुनाव जो है 24 सितंबर को है, इसके लिए जो है जितने फॉर्म हैं, जितने नामांकन पत्र हैं, नॉमिनेशन फॉर्म है, उन सबों को ले लिया जाएगा और 16 सितंबर को जो है इसकी स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी के बाद 18 सितंबर तक जो भी कैंडिडेट अपना नाम वापस लेना चाहेंगे उनका नाम वापस हो जाएगा और नाम वापस लेने के साथ ही एक अंतिम सूची बन जाएगी और इसी दिन जिस दिन अंतिम सूची बनती है उसी दिन चुनाव चिन्ह का भी बंटवारा होता है। तो चुनाव चिन्ह का जब बंटवारा हो जाएगा, लेकिन इसके साथ ही जो लोग भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जो कोई भी अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिए हैं, तो उनको उनके लिए 8 गाइडलाइंस है जिसे मानना बहुत ही जरूरी है। उन सारे गाइडलाइंस के ऊपर जो है एक एक करके हम उसको बिंदुवार तरीके से समझेंगे ताकि आप उसका उल्लंघन ना करें, क्योंकि उल्लंघन करने की एक बहुत बड़ी कीमत आप चुका सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आप चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर या बैनर बनवा रहे हैं तो इसके लिए आपको जिला निर्वाचन अधिकारी से उनकी अनुमति लेनी होगी, क्योंकि अगर आप पंचायत चुनाव में जो कुछ भी पोस्टर या बैनर बनवाएंगे उसमें जो कुछ भी खर्च आता है उस खर्च का पूरा ब्यौरा आपको निर्वाचन आयोग को देना होगा। इसके साथ ही अगर आप राज्य के बाहर से अपना चुनाव के लिए पोस्टर या बैनर बनवा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको निर्वाचन आयोग यानी जो चुनाव आयोग है उसके परमिशन की जरूरत होगी और उसमें भी जो खर्च आ रहा है उस सारे खर्च को आपको बताना होगा, ये बहुत ही जरूरी है। गाइडलाइन नंबर 2 यह है कि जब आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो अपने चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर या बैनर अपने घर या आवास पे लगा सकते हैं, अपनी जो चुनाव प्रचार में जो वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी लगा सकते हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में 4 पहिए वाहन का इस्तेमाल सिर्फ मुखिया और जिला परिषद सदस्य कर सकते हैं। बाकी के जो पद है उनके लिए आपको 2 पहिया वाहन का ही चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करना है। हाँ, यदि आप बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी इस तरह का जो है आप वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपको जो प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनसे आपको अनुमति लेनी होगी। साथ में जो गाइडलाइन नंबर 3 है वो यह है कि आपको आप अगर अपने चुनाव प्रचार करने के लिए
जिस भी पद के लिए आप प्रत्याशी हैं, अपने चुनाव प्रचार करने के लिए अगर आप नुक्कड़ सभा का आयोजन कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपको पहले अनुमति लेनी होगी। और साथ में आपको 48 घंटे मतलब चुनाव मतदान के दिन से 48 घंटे पूर्व में आपको किसी भी तरह का नुक्कड़ सभा या किसी भी तरह का प्रचार पे को रोक लगाना होगा, क्योंकि ऐसे में आप फिर आप जो है चुनाव आयोग का जो गाइडलाइंस है उसका आप उल्लंघन कर देंगे। तो चुनाव प्रचार आप कोशिश करें कि 48 घंटे के पहले ही अपने चुनाव प्रचार को खत्म कर लें। चुनाव प्रचार का चौथा गाइडलाइन जो है वो ऐसा है कि अगर आप चुनाव प्रचार के दौरान किसी पक्ष के अपना वोट बढ़ाने के लिए किसी पक्ष पे धार्मिक भावनाओं का आपको ठेस पहुंचाते हैं या कोई जातिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका सिर्फ नामांकन ही रद्द नहीं होगा, आपके ऊपर एक आपराधिक मामला भी दर्ज हो जाएगा। जी हाँ, और ऐसी स्थिति में 3 से 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है। तो कोशिश करें कि यह सुनिश्चित कर ले कि आप अपने चुनाव प्रचार में किसी भी तरह की धार्मिक या जातिगत या नस्ल या किसी भी तरह का जो है विद्वेष या घृणा पैदा करने की कोई भी टिप्पणी या भाषण ना दें, जिससे कि कोई किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचे जातिगत धार्मिक आधार पर। साथ ही साथ अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो जो आपके प्रतिद्वंदी है उनके विरुद्ध भी कोई ऐसा व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें जिसको आप कोर्ट ऑफ लॉ में यानी कि कानून के सामने जिसे साबित ना कर सकें। तो ऐसी कोई व्यक्तिगत टिप्पणी आपको अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ नहीं करनी है जिसको आप कोर्ट में साबित नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही जो पांचवी गाइडलाइन है वो यह है कि आप किसी भी सार्वजनिक स्थान जैसे कि गुरुद्वारे, मंदिर, चर्च इत्यादि का प्रयोग अपने चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते हैं। चलिए तो अब शुरू करते हैं छठी गाइडलाइंस के बारे में। छठी गाइडलाइन यह है कि आपके नामांकन के दौरान जो कोई भी दस्तावेजों की जरूरत है वो उसमें से अगर एक भी कम हुआ तो आपका नामांकन रद्द हो सकता है। तो सुनिश्चित कर लें, स्क्रूटनी होती है जब भी आप नामांकन पत्र यानी प्रपत्र 6 को जमा करके उसके जो भी डॉक्यूमेंट उसमें लगने हैं, जो भी आपका एफिडेविट है, उस सब को उसकी एक कॉपी करा कर रख लें और दूसरा प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी को दे दें, और उस वक्त आप जो है सुनिश्चित कर लें कि सारे डॉक्यूमेंट्स को दिए हैं। इसके बाद भी अगर उसमें कोई डॉक्यूमेंट छूट जाते हैं तो स्क्रूटनी के वक्त आप उसे दे सकते हैं। अगर उस वक्त भी आप उसे उपलब्ध नहीं करा पाए या फिर कोई आपने गलत सूचना दी है उसको आपको करेक्ट करने का मौका मिलता है, उस वक्त भी आपने उसे करेक्ट नहीं किया तो आपका नामांकन रद्द हो सकता है। इसके अलावा जो कोई भी व्यक्ति नामांकन शुल्क में छूट चाहते हैं या फिर जो पद आरक्षित हैं उनका वो लाभ उठाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपना जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति आपको जमा करनी होगी। ये मूल प्रति, इसमें मित्रों एक बात जो है बहुत आप गौर कीजिए कि जो महिलाएं जो दूसरे राज्य से आती हैं, दूसरे राज्य की जो बहुएं हैं, जो जिनका विवाह बिहार में हुआ है, उनका जो जाति प्रमाण पत्र है वो उनके मायके का ही मान्य होगा, और चूंकि वो दूसरे राज्य से हैं इसलिए उनका जाति प्रमाण पत्र भी उनके राज्य का होगा, जो कि बिहार पंचायत चुनाव में ये माने नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन वो चुनाव लड़ सकती हैं लेकिन उन्हें आरक्षण का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरे राज्य से आई हुई महिलाओं को बिहार के पंचायत चुनाव में जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। और आखिरी जो गाइडलाइंस है कि अगर आपके विरुद्ध कोई न्यायालय में मामला दंड में लंबित है और उसमें आपको दंड दिया जा चुका है, तो इसके बारे में भी आप अपने शपथ पत्र में खुल के लिखें। आप अपने शपथ पत्र में अपने संपत्ति का ठीक ठीक ब्यौरा दें, क्योंकि अगर आप अपने संपत्ति का गलत ब्यौरा देते हैं तो ऐसी स्थिति में लोक प्रहरी के द्वारा इसकी जांच होगी और आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये थे जितने भी गाइडलाइंस जो चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए हैं। ये सारे गाइडलाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जानना होगा, हर एक बात का आपको पालन करना होगा, क्योंकि अगर आपसे भूल से भी कोई एक मिस्टेक हो गया तो वैसी स्थिति में आपका नामांकन खारिज हो सकता है। तो ये था हमारा वीडियो आज का, ये चुनाव आयोग के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसका जो उम्मीदवार है प्रत्याशी है उनके द्वारा कैसे उसका पालन करना है उसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा किया। तो वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना और इसे दोस्तों और मित्रों के बीच में शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।